हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेखर और आप देख रहे हैं शेखर म्यूजिक विद गार्डन। आज हम जो बात करेंगे कॉस्मोस के प्लांट के बारे में, ये देख रहे हैं कितने अच्छे से मेरा कॉस्मोस का प्लांट ग्रो किया है। पिछले साल मेरा जो कॉस्मोस का प्लांट हुआ था उसमें से फ्लावर निकला था और फ्लावर से मैं बीज को रखा था और उसी बीज से मैं कॉस्मोस को उगाया। बीज से उगाने के लिए आपको 4% बालू मिट्टी चाहिए और 2% बर्मी कंपोस्ट और 1% आपका कोकोपीट। इसको अच्छे से मिला लीजिए और मिट्टी के ऊपर उसको अच्छे से बिछा दीजिए और थोड़ा पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद फिर से कोकोपीट के सारे उसको कवर कर दीजिए। और ये जो मेरा प्लांट है वो 10-12 दिन में हो गया था। यहाँ पे इसको मैं बीज लगाया था तो यहाँ पे बहुत सारे हुए थे, तो सब प्लांट मैं अलग कर दिया हूँ, बस यहाँ पे एक है। ये जो प्लांट है मैं प्लास्टिक के बोतल में लगाया हूँ, देखिए कितना अच्छा हुआ है। उसका जो मिट्टी है, मैं ट्रांसप्लांट करने के लिए मिट्टी जो यूज किया था वही वर्मी कंपोस्ट, बालू मिट्टी और कोकोपीट मिला के एक मिक्सचर किया था, उसमें ट्रांसप्लांट किया था। ट्रांसप्लांट करने जब किया था तब जो पेड़ था, जो प्लांट था, इतना ही था। तो ये देखिए 4 दिन में ये कितना बड़ा हो चुका है। देखिए अच्छा, इसमें जो फ्लावर्स होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स होता है। डबल पेटल और सिंगल पेटल का फ्लावर्स होता है। ये जो मेरे पास है ये है वाइट या पिंक का होगा, क्योंकि दोनों प्लांट मेरे पास थे, दोनों का सीड में रखा था तो अच्छे से पता नहीं कर पा रहा हूँ ये वाइट है या पिंक है। और ये कॉस्मोस का देखिए, और एक है, अच्छा फोकस कर देता हूँ, देखिए ये कॉस्मोस का है, ये कितना बड़ा प्लांट है। देखिए ये भी फूल देने लगा है, ये येलो कलर का है। कलर का फूल है, बहुत ही सुंदर है। देखिए ये बहुत ज़्यादा, ये डबल पेटल का है, देखिए डबल पेटल का है। डबल पेटल का फूल है। इसको वेल ड्रेन पानी चाहिए और मैं जो प्लास्टिक का बोतल रखा हूँ उसमें नीचे छेद कर दिया हूँ, तो पानी ड्रेनेज के लिए सुविधा होगा। और ये आप गर्मी में, सर्दी में और साल में किसी भी वेदर में लगा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से फूल देगा। मैं इसको गर्मी में लगाया था, सर्दी में पिछले साल लगाया था और बीच में बारिश में भी लगाया हूँ। देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। बस इसको अच्छे से केयर लीजिए, ये आपको अच्छे से फूल देगा। बहुत ही सुंदर फूल होता है। जब मेरे पास ये फूल खिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले साल मेरे पास जो फूल खिला था उसका फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही सुंदर फूल है, देखिए ये वाला जो मैं येलो कलर का फूल हो चुका है, देखिए तो ये था आज का वीडियो।
आप सुस्त रहिए, खुश रहिए और इस तरह से प्लांट लगाते रहिए आपके छत के ऊपर या बाहर या कहीं भी, परिवेश को साफ सुथरा रखिए, यही मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।